तो कैसे हो, सब सही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं Redmi के Note 9 के बारे में। जी हाँ, फोन तो पुराना हो गया है लेकिन इसका एक सक्सेसर और मैं कहूँ तो एक नया वेरिएंट चाइना के अंदर स्पॉट हुआ है और बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो आने वाला है 5G के साथ में। जी हाँ, Redmi का Note 9 आपको पता है इंडिया में लॉन्च हो चुका है बहुत ही पहले, लेकिन इसका एक नया वर्जन चाइना में लॉन्च होने वाला है जो 5G के साथ में आएगा। न्यू डिजाइन है, न्यू स्पेसिफिकेशन है, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फोन बहुत ही कमाल का है, स्पेसिफिकेशन बहुत ही धमाल का है, तो वीडियो में बने रहना और क्या। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को भी टन से क्लिक करना मत भूलना। तो चलो फिर शुरू करें। तो देखो, पता नहीं चल रहा कि Redmi करना क्या चाहता है। अभी कुछ दिनों पहले Redmi Note 10 सीरीज का लीक्स आ रहा था, लेकिन अब Note 9 सीरीज का वापस से नया वर्जन आने वाला है। आई डोंट नो क्या पद होने वाला है, कुछ ऐसा ही। तो बात करते हैं इस फोन के कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर कि इस फोन को देखने को क्या मिलने वाला है। तो 6.53 इंच का आपको फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले होने वाला है, जो आपको एक IPS डिस्प्ले होगा। AMOLED डिस्प्ले नहीं होने वाला है, जो आपको सिंगल पंच होल के साथ में आने वाला है, जो 16MP के सेल्फी कैमरा के साथ में आपको देखने को मिलेगा। साथ में बैक साइड में इस बार आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है। तो प्रीवियस नोट 9 में आपको क्वाड कैमरा मिला था, लेकिन इस बार जो नोट 9 का सक्सेसर आने वाला है जो 5G के साथ में होगा, उसमें आपको ट्रिपल कैमरा कर दिया गया, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48MP का है, सेकेंडरी कैमरा आपको 8MP का है, जो एक अल्ट्रा वाइड लेंस होने वाला है, थर्ड कैमरा आपको 2MP के साथ में आएगा। इसमें भी आपको देखने मिलेगा 5000mAh का मैसिव बैटरी, जो सपोर्ट करेगा 22.5W की चार्जिंग, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सबसे मेजर इंप्रूवमेंट क्या होने वाला है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा Dimensity सीरीज का प्रोसेसर। जी हाँ, MediaTek का Dimensity 800U का प्रोसेसर होगा, जो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है 5G को, जो बहुत ही कमाल की बात है। मतलब परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलने वाला है इस प्रोसेसर के साथ में, क्योंकि प्रोसेसर में बहुत ही ज्यादा दम है, लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और 5G का सपोर्ट करता है, मतलब फ्यूचर प्रूफ भी होने वाला है। तो बात करते हैं इसमें रैम और रोम वेरिएंट के ऊपर। तो ये फोन आपको देखने मिलेगा टोटल 3 रैम वेरिएंट में, 4GB की रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 8GB की रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज, जो बहुत ही कमाल की बात है। तो कुछ इस तरह का Redmi Note 9 का एक लेटेस्ट वर्जन आने वाला है। जैसा कि आपको पता है, Redmi Note 9 अकेले तो नहीं आएगा, इसका एक प्रो वर्जन का भी लेटेस्ट वर्जन आने वाला है, जो बहुत ही कमाल की बात है। मतलब प्रो वर्जन का लेटेस्ट वर्जन कुछ सुनने में यूनिक लग रहा है ना। हाँ, कुछ इस तरह का प्रो वर्जन का भी लेटेस्ट वर्जन आएगा, जो 5G सपोर्ट करेगा और बताया जा रहा है उसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट तो मिलेगा ही, साथ में उसमें जो आपको मिलने वाला है ना, वो बहुत ही क्रेजी बात है। मतलब उसमें आपको 108MP का कैमरा सेंसर मिलने वाला है। जी हाँ, Redmi Note 9 Pro का न्यू वर्जन के अंदर आपको 108MP का बाय डिफॉल्ट कैमरा मिलने वाला है, जो बहुत ही क्रेजी पिक्चर्स क्लिक करवा देगा। मतलब फोन की प्राइसिंग आपको 20,000-25,000 के अराउंड ही होगी, लेकिन बहुत ही क्रेजी डील के साथ में आने वाला है। Redmi Note 9 Pro का नया वर्जन आपको 15,000 के अराउंड देखने को मिलेगा और उसका प्रो का नया वर्जन आपको 20,000 से लेकर 22,000 के अंदर हो सकता है, जो 108MP के कैमरा के साथ में आएगा। मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा कमाल का आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगा फोटोज में, जो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो जैसा कि आप डिजाइन देख सकते हो, आपको बैक हेलमेट सर्कुलर फॉर्मेट में कैमरा मिल रहा है, जो ट्रिपल कैमरा के साथ में आएगा। फ्रंट में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में टीका मिल रहा है, जो आपको सेल्फी कैमरा का टीका है। साथ में आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह का Redmi Note 9 सीरीज का नया फोन आने वाला है चाइना के अंदर। उसके बाद इंडिया में भी डेफिनेटली ये फोन आएगा, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है नाम अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का फोन निकल गया है, कैसा लगा आपको ये फोन कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को भी टन से क्लिक करना मत भूलना, कर दो यार और क्या। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, चल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।